हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारा इंडिया 360 सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है और कौन कौन से ऐसे ऐसे जगह हैं जिन्हें आप जम्मू एंड कश्मीर का अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वो सभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आज मैंने केवल 10 रखे हैं। अगली बार जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक जगह के बारे में स्पेसिफिक टूर गाइड दूंगा। एंड ये वीडियो और ये सीरीज़ का जो बनाने का मेरा सिलसिला है, या फिर मेरे कहूँ तो मैं इसका मैंने क्यों शुरुआत की है उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन सी हैं वो 10 जगह जब आप अपना जम्मू कश्मीर का टूर प्लान करें तो उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। जानने के लिए देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं धीरे धीरे कौन कौन सी हैं वो जगह जिन्हें आप अपने जम्मू एंड कश्मीर का अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, उन्हें देखने जा सकते हैं। नंबर 1, श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ का वेदर इतना प्लीजेंट है कि लोग यहाँ पर दीवाने हो जाते हैं और यहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, जो कि झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, जिसके दिल में बसती है डल और नगीना झील, जिसे निगिन झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें है जामा मस्जिद, डल लेक, मुगल गार्डन, हाउस बोट, शिकारा उन्हें बोलते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल बोट देखेंगे तो शिकारा आगे से थोड़ी लंबी होती है, उनकी चोंचदार होती है, तो उन्हें शिकारा बोलते हैं। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप श्रीनगर के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 2, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ब्यूटीफुल गाँव है, जिसे वैली ऑफ शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पिक्चरिस्क गाँव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाद दूसरा टूरिस्ट का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हर टूरिस्ट जाना पसंद करता है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि मामलेश्वर टेम्पल, जो कि भगवान महादेव का मंदिर है, बेताब वैली, अरू वैली, तुलिया लेक, इन सब जगहों को आप विजिट कर सकते हैं पहलगाम जाने के बाद। नंबर 3, गुलमर्ग। गुलमर्ग को कश्मीर का स्कीइंग हेवन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जगह समुद्र तल से करीब 2730 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है और यहाँ पर वैसे हर साल लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर बात कुछ और ही होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्दियों में स्नो कवर्ड वैली एंड माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ इन पर स्कीइंग करने का भी मौका आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप गुलमर्ग गंडोर, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, स्ट्रॉबेरी वैली एंड आफरबत वैली में स्कीइंग का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 4, सोनमर्ग। श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर के नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मिलेगा, जिसे सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। अपने ग्लेशियर एंड शिरिन लेक के लिए फेमस ये जगह, यहाँ पर हर साल लाखों लोगों को यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित करती है, जहाँ पर आप कृष्णसार लेक, गडसर लेक, सस्सर लेक और विशानसर लेक को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जगह फेमस है श्री अमरनाथ केव टेम्पल के लिए, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जिसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 5, यूसमर्ग। श्रीनगर से करीब 53 किलोमीटर साउथ में जब आप जाएंगे तो आपको बडगांव डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और वहीं पर स्थित है यूसमर्ग, जो कि एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है और एक लेस एक्सप्लोर्ड एंड ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। यहाँ पर नेचर की ब्यूटी और शालीमार मुगल बाग और हिपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जगह हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 6, अमरनाथ। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। अमरनाथ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ पर आपको महादेव का शिवलिंग बर्फ़ से, नेचुरल बर्फ़ से बना हुआ दिख जाएगा। और जैसे कि केदारनाथ के लिए कहते हैं कि मंजिल दूर है पर जाना ज़रूर है, और ऐसे ही बाबा अमरनाथ के लिए कहा जाता है मंजिल कठिन है लेकिन सुकून यही है। तो अपने जम्मू कश्मीर के टूर के दौरान आप अनंतनाग अगर जाते हैं तो अमरनाथ की यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 7, कश्मीर ग्रेट लेक। इस लेक के लिए लगभग 8 दिन लंबा एक ट्रैक जाता है, जो कि सोनमार्ग से विशानसर और नारंग होते हुए जाता है, जो कि ये 8 दिन का लंबा ट्रैक होता है, जिसमें आपको कश्मीर की घाटियाँ और कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करते हुए जाते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आप ट्रैकिंग के दौरान नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी को भी जान पाते हैं। ये काफ़ी फेमस ट्रैक है जो कि कश्मीर की द ग्रेट लेक तक जाता है, इसलिए इस जर्नी को द कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, डचिंगम नेशनल पार्क। श्रीनगर से करीब 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये नेशनल पार्क, जो कि करीब 141 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ये हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियों और कुछ दुर्लभ जीवों के साथ जम्मू कश्मीर का एक प्राकृतिक खजाना है। ये इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पार्क को बनाने के लिए जब 10 गाँव के लोगों को
वहाँ से अपनी लोकेशन से रिलोकेट किया गया। उन्हीं को ही डेडिकेटेड इस नेशनल पार्क को भी नाम दिया गया है, जिसका नाम है दाचिंगम नेशनल पार्क। नंबर 9, किस्तेश्वर नेशनल पार्क। चिनाब नदी के ऊपर और नागिन शियर ग्लेशियर के नीचे स्थित ये नेशनल पार्क अपनी केसर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर हर साल गर्मियों में आमतौर पर त्यौहार भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यानी कि हर साल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। करीब 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये पार्क कस्तूरी मृग, यानी कि जो कस्तूरी हिरन होता है उसके लिए, और आपको यहाँ पर हिमालयन काले और भूरे भालू भी देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एनिमल्स की ऐसी प्रजाति देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आमतौर पर इतनी ऊँची जगहों पर नहीं मिलती हैं। नंबर 10, वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी का दरबार, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है, ये हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर हर साल करीब 10 से 20% लोग कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो वहीं पर लगभग 80% लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर यहाँ पर आपको बच्चों से लेकर के ओल्ड एज लोग भी यहाँ पर आपको आते हुए दिख जाएंगे। सो दीज आर द 10 प्लेसेस डेट यू कैन विजिट वाइल यू ट्रैवल इन जम्मू कश्मीर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया 10 जगह जो आप घूम सकते हैं जम्मू कश्मीर के टूर के दौरान। अगली वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आप अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं, किस तरीके से आप वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, वो सभी जानकारी मैं देने वाला हूँ अगली वीडियो में। होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी, ये सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को देखते रहिए, चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।